नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में जारी है। इस मैच में टॉस जीतकर पहली पारी में पहले बल्लेबाजी करने वाली पाकिस्तान की टीम ने शान मसूद की शतकीय पारी की बदौलत 326 रन बनाए। पहली पारी में 107 रनों से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के 137 रनों पर 8 विकेट गिरा दिए। हालांकि पाकिस्तान ने इसके बावजूद 244 रनों की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान के यासिर शाह और मोहम्मद अब्बास क्रीज पर मौजूद हैं। बता दें, पहले टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड ने अपने गेंदबाजों की बदौलत शानदार वापसी की है। दूसरे दिन 92 रनों पर 4 विकेट खोने के बाद इंग्लैंड ने तीसरे दिन शानदार शुरुआत की। ओली पोप और जोस बटलर ने 5वें विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की। हालांकि 127 रनों पर ओली पोप के आउट होने के बाद इंग्लैंड की पारी एक बार फिर लड़खड़ा गई। 170 रनों पर 8 विकेट गिर जाने के बाद 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए स्टुअर्ट ब्रॉड ने 29 रनों की नाबाद पारी खेली। टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। पाकिस्तान के लिए लेग स्पिनर यासिर शाह ने 4 और मोहम्मद अब्बास और शादाब खान ने 2-2 विकेट हासिल किए। पहली पारी में 107 रनों से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में शानदार वापसी की है। पाकिस्तान के लिए पहली पारी में 156 रन बनाने वाले शान मसूद दूसरी पारी में खाता खोले बिना ही पेविलियन लौट गए। मसूद को ब्रॉड ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद 33 रनों के स्कोर पर पाक ने आबिद अली का विकेट भी गंवा दिया। वहीं बाबर आजम और अजहर अली भी सस्ते में आउट हो गए। इस तरह पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 137 रनों के स्कोर पर 8 विकेट गंवा दिए। हालांकि इसके बावजूद पाक ने 244 रनों की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में बेन स्टॉक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड और क्रिस वोक्स ने 2-2 विकेट चटकाए। वहीं डोमिनिक बेस को एक सफलता मिली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।